ਕਦੇ 84 ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਕਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੱਤੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫੜ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿ ਕੇ ਮਰਿਆ ਉਹ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ 65-70 ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ सिद्धू का जिहड़ा मां प्यो है बलकौर सिंह है वह इसे गल नूं तड़फदा है भी यार मेरा पुत तो मर गया मैं किसी होर का पुत नहीं मर देना जिहड़ा यह दाग लग्या होया पंजाब नूं गैंगस्टरी का इहनूं किसे लोट खत्म करना है क्योंकि दौर चले है कदे 84 वाला दौर आ गया कदे नशे वाला दौर आ गया पंजाब च अज एक दौर है गैंगस्टरी वाला इहनूं खत्म करना जरूरी है इहदे ठल पाउणी जरूरी है अत करती है सिद्धू एक इहो जिहा शरीफ बच्चा जिन्हें कदे किसी कदे धी भैन बारे माड़ा नहीं गाया किसी का कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं की किसी ना लड़िया नहीं सिर्फ इस करके भी वह तरक्की की है तो उन्हें लोग जिन्हें कलाकार से चलना हटाते इस वजह करके उसने मरवाता पर जोड़े घोड़े दबे से जिन्होंने मारिया से वह तो फड़ ले जिन्होंने मरवाया जिन्होंने छहते मरिया वह हजे बाकी है साड़ी जी सरकार बेनती है तो सिद्धू के प्यो की बेनती है भी उन्होंने फड़ के उन्होंने अंदर दिता जाए ते छेती तो छेती जिन्हें ये कला अपने कातल है इन्हों फांसी की सजा दे के जिहड़ा ये अगला काम मकाया जाए ना कि इन्होंने इंक्रीमेंट लाए जाए एक एक कतल होर बढ़ जाता 65-70 कतल करके आपका जो 15 लाख तो 20 लाख फरौती मंगनी शुरू कर देंगे इसे गल करके भी इन्होंने किसी लोग लत्थ पाई जाए जेडे सिद्धू के डैडी है संघर्ष से चले हुए बिल्कुल ठीक है कोई उन्होंने इस टाइम किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हैगी कदे 84 वाला दौर आ गया कदे नशे वाला दौर आ गया पंजाब च अज एक दौर है गैंगस्टरी वाला पर वो जिहड़े घोड़े दबे सी जिन्हां ने मारिया सी वो तां फड़ दे जिन्हां ने मरवाया जिन्हां ने सह के मरिया वो हजे बाकी है एक एक कतल होर बढ़ जाता 65-70 कतल करके आपका जिहड़ा 15 लाख तो 20 लाख फरौती मंगनी शुरू कर देंगे सिद्धू का जिहड़ा मां प्यो है बलकौर सिंह है वह इसे गल नूं तड़फदा है भी यार मेरा पुत तो मर गया मैं किसी होर का पुत नहीं मर देना जिहड़ा यह दाग लग्या होया पंजाब नूं गैंगस्टरी का इहनूं किसे लोट खत्म करना है क्योंकि दौर चले है कदे 84 वाला दौर आ गया कदे नशे वाला दौर आ गया पंजाब च अज एक दौर है गैंगस्टरी वाला इहनूं खत्म करना जरूरी है इहदे ठल पाउणी जरूरी है अत करती है सिद्धू एक इहो जिहा शरीफ बच्चा जिन्हें कदे किसी का कदे धी भैन बारे माड़ा नहीं गाया किसी का कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं की किसी ना लड़िया नहीं सिर्फ इस करके भी वह तरक्की की है तो उन्हें लोग जिन्हें कलाकार से चलना हटाते इस वजह करके उसने मरवाता पर जोड़े घोड़े दबे से जिन्होंने मारिया से वह तो फड़ ले जिन्होंने मरवाया जिन्होंने छहते मरिया वह हजे बाकी है साड़ी जी सरकार बेनती है तो सिद्धू के प्यो की बेनती है भी उन्होंने फड़ के उन्होंने अंदर दिता जाए ते छेती तो छेती जिन्हें ये कला अपने कातल है इन्हों फांसी की सजा दे के जिहड़ा ये अगला काम मकाया जाए ना कि इन्होंने इंक्रीमेंट लाए जाए एक एक कतल होर बढ़ जाता 65-70 कतल करके आपका जिहड़ा 15 लाख तो 20 लाख फरौती मंगनी शुरू कर देंगे इसे गल करके भी इन्होंने किसी लोग लत्थ पाई जाए जिहड़े सिद्धू के डैडी है संघर्ष से चले हुए बिल्कुल ठीक है कोई उन्होंने इस टाइम किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हैगी।